ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डायघर पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो मुमरा और आसपास के इलाकों में ट्रांसफार्मर से कॉपर कॉइल और ऑयल की चोरी किया करते थे। डायघर पुलिस ने गुप्त जानकारी पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 450 किलो वजन का कॉपर और एक कार और चोरी करने के लिए रिंच पकड़ और 5,04,250 रुपए के माल बरामद किए गए हैं। डायघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव ने क्या जानकारी दी है। जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें कॉपर ऑयल का ऑयल का यूज होता है, तो ये जो सब्सटेंस है मटेरियल है काफी एक्सपेंसिव होता है, तो ये सारे स्पाइनल को यूज करके ये लोग इसे चुराते थे। तो हमारा जो डीबी पार्टी था उनको परफेक्ट एक इन्फॉर्मेशन था कि ऐसा टीम है जो घूम रहा है। तो सुबह 21 तारीख को सुबह 4:30 बजे इनको इंटरसेप्ट किया शिविर फाटे पर। तब इनके पास में गाड़ी का पूरा चेकिंग किया तो पूरे ये कटर्स और स्पाइनल मिले हैं। जब तहकीकात किया तो उन्होंने कबूल किया कि इस तरह से वो कॉपर का चोरी करते थे। ये जिस किसी को उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव है, महंगा प्रोडक्ट है, सब्सटेंस है, तो ये बेचने का काम करते थे। कितने चोर गिरफ्तार हुए और छह लोगों की टीम? कौन सी धारा लगी इन लोगों पे? इसमें तो चोरी का मामला है, तो 371/34 उसमें लगा। इसमें पूरा 1,85,000 का वो कॉपर है और जो ऑफेंस करने के लिए जो गाड़ी का यूज करते थे वो गाड़ी भी इसमें जब्त किया, तो टोटल 4.5-5 लाख का इसमें प्रॉपर्टी जब्त। इन आरोपियों को कल्याण फाटा के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम राज बहादुर सिंह 24 वर्षीय, शशि उर्फ राजू मेंडिस ढोले 40 वर्षीय, आशीष मोहनलाल गुप्ता 24 वर्षीय, अभिषेक प्रदीप लाड 25 वर्षीय, फरहान दाऊद शेख 23 वर्षीय, मुकेश रामनंद 24 वर्ष है। डायघर पुलिस ने इन पर 379/34 के तहत मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।